हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रेरणा ब्लॉग पर। और अभी सुबह का टाइम है, मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो मेथी के पराठे बना रही हूँ आज मैं। तो पराठे बनाने के बाद में अभी आज मुझे काफ़ी काम है, क्योंकि आज इसके बच्चों के ताऊजी आने वाले हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा ना मुझे डॉक्टर के यहाँ भी जाना है, उनका नाम लिखवा के आना है। क्योंकि ना डॉक्टर के यहाँ नाम जो है वो फ़ोन पे नहीं लिखा जाता, वहीं पर जाना पड़ता है। तो वहीं जाके नाम लिखवा के आऊँगी। तो नाश्ता बनाने के बाद वहाँ चले जाऊँगी सीधा। अभी बना लेते हैं मेथी के पराठे। अभी मैंने आलू नहीं मिलाए हैं, क्योंकि ये मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, तो आलू बच्चों के लिए बाद में मिलाऊँगी। और इधर चाय भी बन रही है साथ साथ में, तो चाय भी बना लेते हैं साथ साथ और पराठे भी बना लेते हैं। अभी मैंने चीनी नहीं डाली है, क्योंकि उनके लिए फीकी ही बनाऊँगी, क्योंकि उनको शुगर है ना, तो उनके लिए फीकी बनाती हूँ। और बिना आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ, जैसे कोई भी सब्ज़ी हो बिना आलू की वो बनाती हूँ। तो अभी पराठे बना रही हूँ खाली मेथी के, उनके लिए आलू नहीं मिक्स किए मैंने, आलू बाद में बच्चों के लिए मिक्स करूँगी। इधर चाय भी मेरी रेडी हो जाएगी और पराठे भी तैयार साथ साथ हो जाएंगे, तो हमारा नाश्ता हो जाएगा रेडी। और अब डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद में नाम लिखवा के आ गई थी मैं। तो दोपहर में तो मैंने कुछ नहीं बनाया, तहारी बनाई थी। तो अभी मैं फ्रूट्स धो रही हूँ, अमरूद लाई थी तो अमरूद धो रही हूँ। अमरूद धोने के बाद थोड़ी सी सब्जी भी लाई थी, तो वो भी साथ साथ धो के रख दूँगी, पानी नहीं चढ़ जाएगा। क्योंकि गंदगी लगी रहती है फ्रूट्स पर भी, तो इन्हें मैं धो देती हूँ साथ साथ ही, धो के रख देती हूँ। फिर बाद में बच्चों को खाने होंगे तो खा लेंगे, जो भी उठा कर खाना है उठा कर खा लेते हैं बच्चे। और जो सब्जी लाई थी वो भी धो देती हूँ साथ साथ ही। तो इसमें धनिया है, थोड़ी सी फ्रेश बीन है और शिमला मिर्च है, ये भी साथ साथ धो दूंगी मैं। और अभी तैयारी हो रही है डिनर की, तो डिनर में बना रही हूँ दाल और आलू गोभी की सब्जी बनाऊँगी। तो दाल तो मैंने रख दी है बनने के लिए, हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया है और प्रेशर कुकर कर दिया है बंद। तो दाल बन जाएगी, तब तक मैं सलाद वगैरह काट लेती हूँ। तो अभी मैं पपीता छील रही हूँ, इसे मुझे सिरके में डालना है, तो उसके लिए पपीता छील रही हूँ मैं। किसी ने बताया था मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनके लीवर में प्रॉब्लम है ना, तो लीवर ठीक हो जाएगा थोड़ा, मतलब खाने से भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है, दवाई तो साथ साथ चल ही रही है। तो उसके लिए ही मैं पपीता काट रही हूँ, सिरके में डालने के लिए बताया था। अच्छा पपीता है ये, जैसे मूली डालते हैं ना सिरके में, मूली हरी मिर्च वगैरह डालते हैं, वैसे ही सिरके में ये डाल दूँगी मैं। ये सिरके की बोतल है मेरी, इसे मैं डाल दूंगी मैं। लंबा लंबा काट लिया है इसको मैंने, ज़्यादा बारीक नहीं काटा है, बस लंबा लंबा काट लिया है। बस थोड़ा सा सिरका डाल देंगे इसमें, कम था इसमें, थोड़ा सा वो डाल दूंगी मैं। और अब दाल छोंक लेते हैं, दाल का छोंक तड़का लगा रही हूँ मैं। तो जीरा डाल दिया है मैंने इसमें, और अभी हींग भी डाल दिया थोड़ा सा, और ये प्याज काटी हुई थी बारीक बारीक मैंने, इसे भी भून देंगे। प्याज हो गई है मेरी रेडी, हींग का तैयार, और अभी टमाटर डाल देती हूँ इसमें।
साथ ही डाल देंगे उस सूखे मसाले, ज़्यादा नहीं डालूंगी, बस हरी मिर्च डालूंगी, वो सॉरी धनिया पाउडर डालूंगी। और लाल मिर्च पाउडर पका लेंगे, टमाटर को अच्छी तरीके से भून लेंगे। देखिए टमाटर भी हो चुके हैं मेरे रेडी, दाल जो मेरी पक चुकी थी वो भी डाल देती हूँ इसमें, साथ में हो जाएगी तैयार। दाल हमारी तड़के वाली तैयार हो चुकी है, और थोड़ा सा डाल देते हैं मेरा मसाला। और गार्निश के लिए डाल देते थोड़ा सा धनिया पत्ता। मैं काट रही हूँ सलाद, तो खीरे लाई थी थोड़े, उन्हें काट लेती हूँ। पहले थोड़ा सा जहर निकाल लेते हैं इनका, आगे से बोलते हैं कि आगे से जहर निकाल लेना चाहिए। चलिए हम काट लेते हैं खीरे, सलाद काट लेते हैं। और वीडियो अगर जरा सी भी पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, वीडियो आज छोटी ही बनी है, आगे की वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि भाई साहब आ गए थे तो उनके लिए खाना बनाना था, तो इसलिए वो आगे की शूट नहीं कर पाई। ओके बाय बाय।